dear students in this topic we shall discuss the midgut which comprises of the small intestine small intestine is the major site for the chemical digestion and absorption of the digested food products in intestine digestion takes place in alkaline medium in comparison to the एसिडिक मीडियम प्रेजेंट इन चूंकि फूड ने स्टोमिक से एंटर होना होता है जो कि एसिडिक कायम रखता है और वहां से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहां पर अल्कलाइन मीडियम किया जाता है जिसमें रख के फूड को डाइजेस्ट किया जाता है दस्टाइन इज ए लॉन्ग पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इट इज डिवाइडेड इन टू Three distinct parts. First is called the duodenum, second is the jejunum, and third part is the ileum. Duodenum is the first shorter section of small intestine. In humans, it is about 25 centimeters long. Duodenum ka kam, stomach say. पाइलोरिक स्विंक्टर के थ्रू फूड को रिसीव करना है ये जो ड्यूडिनम है खुद भी म्यूकस और इंजाइम्स सीक्रिएट करती है और इसके अलावा इट रिसीव्स बाइल साल्ट फ्रॉम गॉलब्लेडर एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम दी पेंक्रियास गॉल ब्लेडर से आने वाले जो बाइल है इसमें बाइल साल्ट्स मौजूद होते हैं विच असिस्ट इन दिफिकेशन ऑफ फैट्स जबकि पेंक्रिया से आने वाला पेंक्रियाटिक जूस अपने अंदर बहुत सारे इंजाइम रखता है विच एड इन देश ऑफ ऑल मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड ड्यूडिनम से आगे जिजुनम आती है जिजुनम जो है वो एक लॉन्गर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ह्यूमंस में जिजुनम की लेंथ तकरीबन 2.5 मीटर्स होती है इट सीक्रेट्स मेनी मैनी इंजाइम्स फॉर डाइजेशन इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द दब्जॉर्बेशन ऑफ सम products of digestion jejunum se aati ileum is the longest part of small intestine which is about 3.5 meters long in humans it primarily absorbs nutrients which are digested in the duodenum and jejunum part it also secretes some enzymes कंप्लीट दी प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टन इस तरह से डायजेस्टन कंप्लीट होती है इलियम में और उसके अलावा ज्यादातर न्यूट्रिय की एब्जॉर्बशन भी ईलियम में मुकम्मल हो जाती है स्टूडेंट देंथ ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट सिक्स मीटर ये जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की ये मुख्तलिफ एनिमल्स में वेरी करती हैं। ओवरऑल जो कार्निवोर्स हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंस हार्बी वोर्स के मुकाबले में छोटी होती है और कंपैरेटिवली सिंपल भी होती हैं, जबकि हार्बी वोर्स जो हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन आमतौर पर ज्यादा लंबी होती हैं और ज्यादा कंप्लेक्स होती हैं ये जो शॉर्टर लेंथस हैं कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की ये ये शो करती हैं कि कार्निवर्स चूंकि गोश्त खोर हैं तो गोश्त की डाइजेशन को वेजिटेशन की डाइजेशन के मुकाबले में कम वक्त लगता है ए एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस डिफरेंस इन दी लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऑफ कार्निवोर्स एंड हर्बीवर्स इज सीन इन फ्रॉक फ्रॉक का जो लार्वा है टेटपोल लार्वा दैट इज कार्निवोरस। इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कंपेटिवली लंबी है कंपेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रॉग, दिच इज कार्निवोर। फ्रॉग का टेटपोल हर भी वोर है और उसकी जो लेंथ uh, है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ज्यादा है और उसके मुकाबले में कार्निवोरस अडल्ट फ्रॉक की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम है dear students small intestine also contains large number of bacteria protozoans and fungi which contribute enzymatically to digestion these symbiotic microorganisms in the small intestine also synthesize many essential vitamins